हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पुष्कर में, कि आप अपने जो इंडिया का फेमस बुल है भीम, उसको पुष्कर मेले में लेके आए। तो सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम और ये बुल किस जगह का है उसके बारे में बताएं। हाँ, ये मेरा नाम जवाहरलाल जांगिड़ है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। ओके। और ये मुर्रा भीम बुल है। बिल्कुल। उसको एग्जीबिशन के लिए मैं पुष्कर मेले में लाया हूँ, ताकि किसान और पशुपालक इसको देख करके। तो सर, कितना टाइम हो गया आपको ये पुष्कर मेले में लाए हुए? आज कौन सा दिन है? आज फोर्थ डे है, चौथा डे है। तो सर, अगर मैं जानना चाहूँ, वैसे तो मेरे को लगता है कि आज भीम को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं हो इंडिया के अंदर, है ना। जब भी मैं एक बार चाहूँगा कि इसकी क्या खासियत है उसके बारे में बताओ, और इसका क्या, कितने किलो इसका वजन है? सबसे बड़ी खासियत है कि मुर्रा में ये 100% प्योर मुर्रा है। ओके। मिक्स ब्रीड नहीं है। बिल्कुल। और ये अपने राजस्थान ही नहीं है, इंडिया में भी नंबर वन बुल है प्योर मुर्रा में। बिल्कुल सर। इसका जो है एज करीब 7 साल हो चुकी है। 7 साल का। हाँ। और वजन इसका 1500 किलो है। 1500 किलो। हाँ। ओके। और हाइट 6 फुट है। ओके। और नोज टू टेल लंबाई इसकी 14 फुट है। तो सर, ये जैसे कि कंपटीशनों में भी विनर बना हुआ है, तो कितनी बार विनर बना हुआ है कंपटीशनों में? अनगिनत बार विनर बना हुआ है, यानी कि कोई गिनती नहीं रही अभी इसकी, है ना। और इसके अलावा ये जो मेले हैं, जैसे पुष्कर का मेला है, तो बेस्ट एनिमल ऑफ द फेयर भी बहुत दफे बन चुका। ओके। यानी कि विनर बनने की कोई गिनती नहीं है, वो सीमा खत्म। आपने भी गिनना मेरे को लगता है छोड़ दिया, दिखता है। सही कहा आपने। और एनिमल ऑफ द फेयर, तीन चार जगह इसको एनिमल ऑफ द फेयर का ना टाइटल देके इसको सम्मानित किया गया। ओके। तो सर, अभी पुष्कर मेले में लाने का क्या मकसद था, इनकी किस कारण से आप इसको मेले में लेके आए? एग्जीबिशन, लोगों को दिखाने के हिसाब से। हाँ, दिखाने। और पशुपालक किसान भाइयों को प्रेरणा मिले कि हमारे घर में भी हम ऐसी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। तो सर, स्वभाव में कैसा, अगर इसके स्वभाव की बात करें तो? भैंसे का स्वभाव, सांड का स्वभाव एग्रेसिव होता है हमेशा, पर ये अपने जो है प्रजाति के विपरीत गुणों का है। ओके। इसका स्वभाव एक बकरी के बच्चे के बराबर है। बिल्कुल। इसको कोई एग्रेशन, इसके कई दिन में लाखों लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, सब चीज़ें होती है, फिर भी ये किसी पे एग्रेसिव नहीं है, इन अटैक नहीं करता है कभी नहीं। ये तो बचपन से पला इस हिसाब से है कि जो है होमली फ्रेंड हो गया है ये। तो सर, आपके पास में कितना टाइम हो गया है इसको? ये जन्म से मेरे पास है। जन्म से ही आपके पास है? जन्म से मेरे पास। तो सर, अगर इसके बात करें तो बहुत सी बार इसकी बोली भी लगी है कि लोगों ने खरीदने की कोशिश भी की इस पुष्कर मेले में, मेरे को लगता है आज से 2 साल पहले जब लास्ट मेला लगा था, तो लास्ट इसकी क्या लोगों ने बोली लगाई? ये पुष्कर का तीसरा मेला है हमारा। तीसरा मेला है। फर्स्ट मेले में आए थे 14 करोड़ लगे। 14। ओके। सेकंड मेले में 21 करोड़ लगे थे। 21 करोड़ ये थर्ड मेला है, तो इस मेले के दौरान 24 करोड़ हुए हैं। 24 करोड़ हुए हैं। हाँ, हुए। तो सर, आप देख क्यों नहीं रहे इसको, यानी कि या तो आपको इससे ज्यादा लगाव है? लगाव की बात है, वो भी 100% सही है, परंतु बेसिक बात यह है कि ये भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफा है मुझे। बिल्कुल। इस गॉड गिफ्ट है, तो गॉड गिफ्ट को पैसे में तोलना या मोल भाव में देना, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ, भगवान ने मुझे यदि गिफ्ट दी है, तो मैं आगे किसान भाइयों को इसकी नस्ल उसके हर किसान के घर में हो, भैंस हो चाहे बुल हो, ये मेरी इच्छा है। इसलिए मैं यदि आज बेच दूंगा तो मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा कि मैं किसी की कोई इसमें सहयोग कर सकूँ या सीमन वगैरह उनको दे सकूँ। वो तो जो लोग ले जाएंगे अपने रिसर्च के हिसाब से वो ले जाएंगे। और अनमोल चीज को पैसों से तो वैसे भी नहीं, पैसे से वैसे आंका ही नहीं जाता और आंकना भी नहीं चाहिए। तो सर, इसकी अगर डाइट की बात करूं तो घर पे सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है, और एक दिन की डाइट और महीने भर की डाइट का क्या खर्चा है? एवरेज जो है रोज का 4000 से 5000 का खर्चा है। 4 से 5000 का। हाँ। ओके। और मंथली 1.5-1.5 लाख का इसका खर्चा है। ओके। सुबह जल्दी 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर इसकी वॉकिंग होती है। कितने? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना। हाँ। वॉकिंग के बाद में यहाँ आकर के 2 आदमी जो है इसकी सरसों के तेल की मालिश करते हैं। अच्छा, सर, जब इतना चिकनाहट है क्या इसके अंदर? चिकनाहट है, बिल्कुल, सरसों के तेल का चिकनाहट है। ओके। हाँ, छोड़।
इधर से पीछे से भी खतरनाक दिखता है। ₹500 का उपलब्ध है आज यहाँ पे भी उपलब्ध है, बाकी जोधपुर में हर समय उपलब्ध है। यानी चिकनाट को आप नहीं सकते किसी से भी। कम से कम है, लागत है ये। नहीं ज्यादा नहीं है, ₹500 बहुत रिजनेबल है। तो अंकल अभी मेले में 4 दिन में कितने लोग करीब देख के जा चुके होंगे? लाखों लोग, जिनके कोई लाखों लोग, लाखों लोग। मेरे को लगता है उनमें बच्चे ज्यादा होंगे। बच्चे ये चाहे उसका आदमी का पशुपालन या किसानी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी खूब लोग आ रहे हैं। सर इसको देखने में क्या हर आदमी को इंटरेस्ट आता है। कल हमारे पास इटावा से एक परिवार आया था तो देखने के लिए, बहुत जो है धनाढ्य परिवार था। ओके। तो वो आकर के आधा घंटा हमारे पास रुका, इसको देखा। देखने के बाद कहा साहब मैं बाई रोड आया हूँ इटावा से। ओके। और इसको देखते ही मेरी तो थकान उतर गई पूरी की पूरी। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उसको लगता है कि मैंने इतना लंबा दूरी तय की तो कुछ न कुछ तो मेरे को देखने को मिला। कल एक विकलांग आदमी जिसके दोनों पाँव बिल्कुल विकलांग। ओके। और जैतारण का रहने वाला है वो आदमी, 3-व्हीलर जो देखने के लिए आया, 3-व्हीलर वहाँ जैतारण से एक्टिवा पे बैठ करके, जैतारण से उस एक्टिवा में आकर के शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा। कैसा मेरी इच्छा हुई कि मुझे भीमबुल को देखना है, और वो घंटे भर यहाँ रुका और फिर उसी एक्टिवे से शाम को वो जैतारण गया। ओके। हाँ, तो सर इसका सीमन का कैसे है? जैसे जो लोग इसका सीमन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं? जो आदमी सीमन का इच्छुक हो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829165995 पे संपर्क करें। ओके। इस नंबर पे संपर्क करने के बाद में उनके कस्बे में या शहर में जहाँ जेनाइन सीमन उपलब्ध होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो वो इस नंबर पे संपर्क कर लें। और बहुत सारे लोग क्या फर्जी सीमन भी बना के बेच रहे हैं भीम का, तो उसके लिए भी आप सर से कॉन्टेक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। घुमा लो आप सामने जाओ, बाग के आएगा वहाँ। अच्छा, बाग के आएगा। अपन तो नहीं भागा जाए सर इसकी बराबर। खतरनाक चलता है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं भीमबुल को।